सुन, आज हम बच्चों के लिए जो कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, क्योंकि फ्रूट वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसको कस्टर्ड में डाल के बना के दिया जाए तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। फ्रूट कस्टर्ड तो बड़ों को भी बड़ा पसंद आता है और ये हेल्दी भी होता है, तो आज हमने सोचा क्यों ना फ्रूट कस्टर्ड की ही रेसिपी शेयर की जाए आपके साथ। गर्मियों का सीजन भी आ रहा है आगे से और ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं फ्रूट कस्टर्ड बनाना। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने आधा किलो दूध लिया है, इसे हम काट कर पॉट में डाल देंगे। दूध गर्म करने के लिए गैस पर रख दीजिए। एक बाउल में थोड़ा सा ठंडा दूध ले लीजिए, इसमें 3 चम्मच के करीब हमें कस्टर्ड पाउडर डालना है और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसके हिलाते जाना। मिक्स हो चुका है, दूध को थोड़ा सा ही गर्म करना है, बिल्कुल बॉयल नहीं करना है। इसके बाद इसमें आपने ये कस्टर्ड पाउडर डाल के जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो डाल देना है और साथ साथ में हिलाते भी रहना है ताकि बीच में लम्स ना पड़े। एक साथ डाल देते हैं तो उसकी गुठलियां बन सकती हैं। अब इसके रुखी लाते हुए पकाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। इसे आप अच्छी तरह से ऐसे ही लाते हुए पकाते हैं जब तक ये ठीक ना हो जाए। इसे और अच्छा टेस्ट देने के लिए हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देते हैं। मैंने 30 ग्राम की क्रीम मिल्क पाउडर लिया है, वो इसमें डालती हूँ। एकदम फटाफट से हिलाते रहना, नहीं एकदम अच्छे से फटाफट से हिलाना है ताकि इसमें लम्स ना हो। इसमें आधी कटोरी की क्रीम चीनी डाल दीजिए। बंद कर देती हूँ। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ये ठंडा हो चुका है, इसे हम छान लेते हैं ताकि हमें स्मूथ पेस्ट मिल जाए। छानने के बाद हमारा ये स्मूथ पेस्ट बन गया है, ये देखिए। अब इसे हम फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। अब इसे कवर कर दीजिए इसको अच्छे से और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। कवर इसलिए करते हैं कि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे, क्योंकि अगर ठंडा होने के बाद अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे उसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी तो वो कस्टर्ड पे अच्छी नहीं लगती। मैंने ये कुछ सीजनल फ्रूट लिए हैं, आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है वो भी ले लीजिए और चॉप कर लीजिए बारीक बारीक। ये मैंने एप्पल ले लिया है, बनाना, अनार थोड़े से, और मेरे पास ग्रेप्स हैं ग्रीन वाले, स्ट्रॉबेरी और ब्लैक कलर की। आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर गर्मियां हो तो आप मैंगो ले सकते हैं, क्योंकि मैंगो तो सबका ही फेवरेट होता है और इस टाइम पर जो हमारे पास जो फ्रूट मार्केट में है मैंने वही परचेज किया। कस्टर्ड को फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया, अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसे हम ओपन कर लेंगे। जितने भी आपने सीजनल फ्रूट काटे हैं वो सारे आप इसमें मिक्स कर दीजिए। स्ट्रॉबेरी डाल दीजिए और थोड़ा सा रख लीजिए डेकोरेशन करने के लिए, बाद में उससे डेकोरेट कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसमें, इसे दोबारा कवर करके आप फ्रिज में 4 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये ठंडा ही बड़ा अच्छा लगता है, फ्रीजर में मत रखिएगा, फ्रिज में जा देने के लिए रखते हैं। ठीक है, ऐसे कवर कर दीजिए। चिल होने के बाद मैंने इसे बाउल में ट्रांसफर कर दिया है, अब इसे हम ड्राई फ्रूट और फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। इसे मैंने अब गार्निश कर दिया है, ये अब सर्व करने के लिए रेडी है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। बाय बाय।